आसाराम बापू के बाद एक और धर्मगुरु पर लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोप। आखिर क्यों घटना के 2 साल बाद महिला ने कराई है शिकायत दर्ज। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की सनसनीखेज खबरों में आपका बेहद स्वागत है। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। हाल ही में एक और बाबा यानी कि धर्मगुरु पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फतेहपुर बैरी में शनि धाम के प्रमुख दाती महाराज पर उन्हीं की एक महिला शिष्या ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। इस महिला का कहना है कि 2 साल पहले शनि धाम के अंदर दाती महाराज ने उनका यौन उत्पीड़न किया था, लेकिन डर के कारण वो शिकायत दर्ज नहीं करा पाई। इस शिकायत के बाद दाती महाराज के खिलाफ IPC की धारा 376, 377, 354 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब दाती महाराज के फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो हम आपको बता दें, दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे राष्ट्रीय समाचार चैनल्स पर आते रहते हैं, उनकी खुद की अपनी वेबसाइट है और फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए वो सोशल मीडिया का उपयोग करते रहते हैं। साउथ दिल्ली में दाती महाराज के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी है। इससे पहले भी बहुत से बाबाओं पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ साबित भी हुए हैं, जिसके चलते आसाराम बापू को बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वे फिलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं। इसी के साथ राम रहीम पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, जो सही साबित हुए, जिसके बाद से गुरमीत राम रहीम को रेप केस का दोषी करार देते हुए वो जेल में बंद है। दाती महाराज का मामला भी संज्ञान में ले लिया गया है, जल्द ही सच्चाई सबके सामने होगी। इसी के साथ दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।